नमस्कार हिमतक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे हुए ऑनलाइन कोई भी आपकी डिमांड है, किसी अधिकारी के खिलाफ आपको कोई शिकायत दर्ज करवानी है या फिर जो भी आपकी डिमांड है, ग्रीवेंस, आपको कुछ भी चाहिए, आप ऑनलाइन अगर आप चाहते कि आपकी बात सरकार तक पहुँचे, सेक्रेटरी तक पहुँचे, तो आप कैसे कर सकते हैं वो पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने हिम तक इस यूट्यूब के साथ जुड़ना है, ताकि और जो भी सरकार की जो नई योजना या स्कीम है या जो भी सहूलतें सरकार आपके लिए लेकर आती है वो हम आप तक पहुंचाते रहे इस चैनल हिम तक के जरिए। तो आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश की। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आपने डायरेक्ट उस पर क्लिक करके डाउनलोड आप उससे कर सकते हैं। जो मेन है इसमें, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, तो आपने जाना है एप्लीकेशन सबमिट में, यहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप ये भरना पड़ेगा आपको, डिमांड ग्रीवेंस भी आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। तो उसमें हम डिमांड कर देते हैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। और डिपार्टमेंट हमने कर देना है सेलेक्ट इसमें, कोई भी आप कृषि विश्वविद्यालय, DC चंबा, DC बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा DC, और जो भी आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जो भी आप डिमांड जानकारी या डिमांड है या कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है आपने किसी पटवारी की DC ऑफिस में या कहीं भी, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे हम आपको बता देते हैं कि होम गार्ड में इसमें हॉर्टिकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, HP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये इसमें डिपार्टमेंट दिया हुआ है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, ठीक है, बोल फेडरेशन लिमिटेड का इसमें दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HP हिमाचल प्रदेश, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ये है, ठीक है। तो हम कर देते हैं, हमारी डिमांड है कि हमें, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कोई डिमांड नहीं अभी हमारी, ठीक है, सबमिट नहीं करेंगे हम, पर सिर्फ आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ये कर सकते हैं। मान लो मेरी डिमांड है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड से, बिजली विभाग से, कि मुझे कुछ ट्रांसफार्मर लगवानी है कहीं, या कोई किसी गांव में बिजली नहीं है या फिर मेरे पर्सनल घर में बिजली नहीं है, तो वो उसके लिए मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट की है, ठीक है, दरख्वास्त की है। तो अब जो है वो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ग्रीवेंस टाइप, तो उसमें आपको कर देना है जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। जनरल पब्लिक ग्रीवेंस डिमांड ऑन हैंड ऑफिस लेवल वो आपको करना है, या कंप्लेंट करनी है आपको किसी लाइनमैन के खिलाफ, फोरमैन के खिलाफ या कहीं भी, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफिसर ऑफिशियल ऑफ HPSEB, ठीक है, लिमिटेड, और आपको या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉई ग्रीवेंस आपको या चीफ इंजीनियर लेवल की आपको कंप्लेंट करनी है या जो भी है, तो वो आप कर सकते हैं। हमने क्या करना है आपको दिखाने के लिए, इसमें जो भी है जनरल नॉर्मल इसमें आपको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर। अगर किसी के फ़ोन से ये ऐप ओपन नहीं होती है, ठीक है, तो और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि पहले मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने फ़ोन को रोटेशन पर रखना है, ठीक है, रोटेट करना है, उसके बाद इस प्रकार से फुल स्क्रीन पर रखिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम भी है, मान लो डिस्ट्रिक्ट दिखाने के लिए आपको सिर्फ मैं कांगड़ा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आ गया है सेलेक्ट ऑफिस, तो सेलेक्ट ऑफिस कर देना हमने जो भी आपको दिखाने के लिए, तो कर रहे हैं हम सब कुछ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न धर्मशाला हमने कर दिया। अब जो आप आ रहा है अगली स्क्रीन पर आपकी कॉलम, ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल, तो ओल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अगर आपने पहले कंप्लेंट किया, कोई डिमांड या एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, तो उसका नंबर आपको भरना था, ठीक है। अब हमने जनरल डिमांड की है, तो उसमें ये ओल्ड एप्लीकेशन नंबर जो है इस कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल इसमें हम भरेंगे, ठीक है, कि क्या मुद्दा क्या, तो हिंदी में आप कर लीजिएगा या इंग्लिश आती है आपको अच्छे से, तो वो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बिजली विभाग जो भी आप करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, बिजली विभाग के
अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत या हम ये कर देते हैं आपको दिखाने के लिए इसमें कि हमारे गांव या शहर में लाइट नहीं, ठीक है, तो वो आपको बिजली नहीं है वो आपको करना था, ठीक है। हमारे गांव में ये मैंने भर दिया, ठीक है, हमारे गांव में बिजली नहीं है, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्योंकि रोटेशन में रोटेट करके मैंने फ़ोन रखा हुआ है तो टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी, ठीक है। अब जो लोकेशन ऑफ ग्रीवेंस है वो आपको भरनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, हिमाचल या आउटसाइड हिमाचल से आप, ठीक है, वो आपको भरना है। रूरल आपका एरिया, रूरल में आपका जो शहर है वो रूरल है या अर्बन है, ठीक है, ग्रामीण है या शहर, ये वो आपको भरना है। उसके बाद इसमें सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, मैंने कौन सा किया था कांगड़ा, तो कांगड़ा हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक आ जाएंगे तो बैजनाथ और देहरा, गोपीपुर, धर्मशाला, फतेहपुर, इंदौरा, तो कांगड़ा का कांगड़ा ही हम कर देते हैं। अब सेलेक्ट पंचायत, तो पंचायत हम कोई भी कर देते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए एप्लीकेशन हम सबमिट नहीं करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट विलेज करेंगे तो विलेज में भी हम कोई भी कर देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कंस्टिट्यूएंसी, तो विधानसभा कौन सा है आपका, क्षेत्र कौन सा है, तो हम कर देते हैं इसमें ये ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल में आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, ठीक है, आप अपना नाम भर सकते हैं। और उसके बाद रिलेशन जो है अपना यहाँ पर भरना है, अगर आप सीनियर सिटीजन है, अगर आप 60 साल से ऊपर है तो आप सीनियर सिटीजन पर टिक मार्क लगा देंगे, या डिफेंस पर्सनल है तो वो आपको वहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी में आपको आया कि, ठीक है, कि सिलेक्ट कैटेगरी, तो नोट नाउन आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, तो हम अभी जनरल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो पत्राचार का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जो इसमें आपको जहाँ भी आप हो वो एड्रेस आपको भरना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जहाँ आपके घर है वो आपको भरना पड़ेगा, जैसे विलेज, तो मैंने कांगड़ा का कोई भी विलेज आप ले लो। उसके बाद तहसील करिएगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भर दीजिएगा। उसके बाद लैंडलाइन नंबर तो नहीं होगा आपके पास, अगर आप है तो आपके पास है तो वो भरेगा, मोबाइल नंबर भरेगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको ईमेल आईडी इसमें भरनी पड़ेगी, ठीक है, ईमेल आईडी भी आपके पास होगी क्योंकि गूगल आपका ऐसे, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको आपके पास ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर है तभी आप यूट्यूब देख रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट फाइल, तो जो भी आपको जानकारी, जो आपकी डिमांड है, ठीक है, कहीं ट्रांसफर बदलनी है, ट्रांसफार्म बदलनी है, या फिर कहीं बिजली का खंभा लगवाना है, या बिजली की लाइन जो है वो बदलवानी है, या जो भी कहीं आपको लगता है कि खतरा है तो वो आपको स्क्रीन उसका फ़ोटो ले लेने आपको, ठीक है, 2-3-4 फ़ोटो उसकी आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपको सेलेक्ट में, आपके सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसमें पीडीएफ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद आपने फाइल को सिलेक्ट करने, फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट, ये जो आपकी स्क्रीन पर सबमिट एप्लीकेशन है ये आ रहा है, ठीक है। और जो ईमेल आईडी आप डालोगे तो फिर आपको इसमें ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है पहुँच गई या जो सबमिट हो गई, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो फिर आपको फ़ोन नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर क्या है, ठीक है। उस एप्लीकेशन नंबर को फिर आप, जब आपके पास वो नंबर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने करना है उसके बाद यहाँ जाओगे आप सर्च एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद वो नंबर होगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किया है तो HPSEB, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद चेक कर चुका हूँ उसको HPSEB, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कर रहे थे चेक, तो 2019, ठीक है, ये आपका एयर आएगा। उसके बाद आप, ठीक है, 500 कुछ भी लगा लीजिएगा, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2019 ये लगा होगा। तो उसके बाद आपका कंप्लेंट नंबर या डिमांड नंबर होगा, ठीक है, मान लो कि 500 कुछ है तो कुछ भी लगा लीजिएगा आप, या आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, 667 ये लगा दिया। उसके बाद आपको डन करना है और उस पर सर्च करना है, ठीक है। तो सर्च करने बाद आपकी जो पूरी जो कंप्लेंट थी या जो डिमांड थी या ग्रीवेंस जो थी वो आपको इस पर सर्च करने के बाद आ जाएगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप खुद घर बैठे हुए अपनी डिमांड जो आपकी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, ऐसा करता हूँ आपको जानकारी से आप संतुष्ट होगे। ऐप का नाम हम आपको बता देते हैं, ठीक है, आपने जाना है ई डिस्ट्रिक्ट में, ई समाधान ऐप का नाम है, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस ये मॉनिटरिंग सिस्टम, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे थे, ठीक है। एक बार बैक करके हम आपको दिखा देते, ये वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेलकम टू ई समाधान। तो इससे आप ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। तो पूरी जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट रिफ्रेश्ड ऑन 19 अक्टूबर 2016 5:26 पर। तो सरकार के हालात क्या है वो इसी बात से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि लास्ट रिफ्रेश जो अपडेट हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है, लास्ट बार इसको चेक कब किया गया था। तो जो भी जानकारी चाहिए आपको, आप खुद आप इस पर सबमिट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करें और अगर अच्छी लगे जानकारी तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतने, नमस्कार।